कॉलोनी है और हम बकरा लेने के लिए आए हैं। अभी तक के मिल नहीं रहा, बहुत हाई फाई रेट चल रहे हैं बकरे के, कोशिश कर रहे हैं मिल जाए, आसान हो रही है, दुआ करें। आज हम लोग दोबारा से आए हुए हैं अपनों, मंडी फ़िलहाल तो बिल्कुल पैक हो चुकी है, खाली हो चुकी है, बहुत कम जानवर बचे हैं पर कुछ हैं, क्योंकि आज ईद से एक दिन एक रोज़ पहले गए, चांद रात है, इस वजह से मंडी जो है वो तकरीबन खाली हो चुकी है। कुछ जानवर हैं, व्यापारी अपनी मर्ज़ी के दाम मांग रहे हैं और कुछ जो है वो जल्दी जल्दी छोड़ भी रहे हैं। बहरहाल हम बहुत देर से घूम रहे हैं, दो दिन से घूम रहे हैं, जानवर नहीं मिल रहा, दुआ करें देखें मिल जाए, अल्लाह करे कुर्बानी हो जाए। अबे इधर देख, मेरे अजीज हम बतनो, अभी हमने एक बकरे की डिमांड लगाने के लिए शबाज भाई को भेजा है। कोशिश कर रहे हैं कि वो ले लें, बहुत अच्छा बकरा है, अगर लगा के मौके पर हम अगर ले लिया तो फिर मैं आपको दिखाऊंगा, आपको भी पसंद आएगा इंशाल्लाह। एक बकरा नहीं ले पा रहे इतनी देर में, मेरी अम्मा जो है ना वो चार भौवें ढूंढ लेगी। नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा भाई, नहीं मिल रहा। ओए अरे भाइयों, बकरा अकरा नहीं मिला, हिस्सा डाल दिया हमने। हाँ हाँ सही है, नहीं मैं नहीं जा रहा, चार घंटे हो गए, चार घंटे बकरा दे रहे हैं। बहुत अच्छी तफरी थी, बहुत अच्छी मारी हो गई, पैरों की उंगलियां छिल गई हैं। एक सौ तो और मारने जा रहे हैं, क्या करें भाई, मैं जा रहा हूँ घर, घर पे जाके बात करेंगे, अल्लाह हाफिज। मेरे अजीज अमतनों, हम लोग अभी घर पे आ गए हैं और बहुत ज़्यादा ख्वारी हुई है,
चार पाँच घंटे हो गए मंडी में घूमते हुए, पर कोई मज़े की चीज़ पसंद नहीं आई। दो दिन गए मंडी, काफ़ी ज़्यादा जगहों पे फिरे, सोराब गोड़ नहीं जा सका मैं क्योंकि दिल नहीं था सोराब गोड़ जाने का। तो अभी हम लोग वापस आ गए हैं, बकरा नहीं मिला और हिस्सा डाल दिया। अब जो है वो बड़ा थक हार के हम लोग घर पे आ गए हैं और कल सुबह ईद है तो अब वैसे इंजॉय करेंगे। सुबह से घूम घूम के तो हम पागल हो गए हैं और अभी सुबह ईद है और अभी हम आए हैं चप्पल लेने। एक ये मुझे बहुत अच्छी लगी है, ये मुझे बहुत अच्छी लगी है, तो कमेंट में बताएं फर्स्ट या सेकंड। टाइम पे मैं एक जगह पे आया हूँ और बहुत बड़े किस्म का यहाँ पे जानवर है, मेरे पीछे आप लोग देख सकते हैं दो हैकल टाइप का जानवर है और ये बहुत बड़ा है, जो आम सिब्बी होते हैं उनसे भी ये बहुत ज़्यादा बड़ा जानवर है। और एक जो जानवर बैठा हुआ है वो ये मेरे सामने बैठा हुआ बहुत ही खूबसूरत जानवर है, ये भी मैं आपको दिखाऊँगा, बहुत ही आला जानवर है। तो मेरे अजीज हमवतनों, अभी मैं इस जानवर के करीब आ गया हूँ और आप लोग देखें कितना ह्यूज किस्म का ये जानवर है। भाई कोई बताएगा यार इसके बारे में क्या? ये कितने का आप लोगों ने लिया है, कहाँ से लिया है? भाई लाए भाई को बताया। अच्छा, तो आप लोगों ने अपना नहीं पाला हुआ? पाला हुआ है भाई को बताया। अच्छा पाला हुआ भाई, अपना पाला हुआ। अच्छा तो मेरे अजीज हमवतनों, ये जानवर इन लोगों ने अपने खुद पाले हुए और बहुत अच्छे और ख़ूबसूरत है, और ख़ास तौर पे ये वाला जो है ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत जानवर है और ये इन्होंने अपने घर के पाले में, अपने बाड़े में पाले में, और ये तो पूरा डायनासोर के बराबर है, बेहतरीन। तो अब चलते हैं अपने घर। अजीज हमवतनों, अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं ईद के बाद ईद वाले ब्लॉग पे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। भाई के चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।